हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। एक बार फिर से स्टेशन एंड प्लेसेस में जो वीडियो लेकर आया हूँ वो मोबिल्लापुर रेलवे स्टेशन से लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिफिकेशन का। और ये इलेक्ट्रिफिकेशन का जो मैं पूरा आपको ब्यौरा दूंगा वो खैराबाद से लेकर और ये मड़ियाँ यानी मोहिबिल्लापुर तक दूंगा। सामने देख सकते हैं आप पोल्स लग गए हैं, जो चौड़े वाले पोल्स होते हैं, ये देखिए। और काफी तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। और ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है मैं आपको खैराबाद के आउटर से भी दिखाऊंगा, बाहर से रोड साइड से, साथ में सिधौली रेलवे स्टेशन से दिखाऊंगा। अटरिया टोंजा के बीच में जहाँ पे पोल्स नहीं लगे हैं वो भी दिखाऊंगा, जहाँ पे पोल्स लगे हैं वो भी दिखाऊंगा। और इस बीच में जो अटरिया रेलवे स्टेशन है बरई जलालपुर है, साथ में कमलापुर रेलवे स्टेशन है, ये तो तीनों रोड से काफ़ी अंदर थे और इस वजह से मैंने उन स्टेशनों का या हॉल्ट का वीडियो नहीं बनाया है। और लेकिन इतने वीडियो से ही आप लोगों को काफ़ी कन्फर्म हो जाएगा, काफ़ी पता चल जाएगा कि कितना काम हुआ है कितना नहीं। इस पोल को देखिएगा, अभी फाउंडेशन मजबूत किया जा रहा है, बेस खड़ा कर दिया गया है, 90 डिग्री पे नहीं है, थोड़ा सा झुका हुआ है। और इसी तरह के ये पोल बख्शी का तालाब रेलवे स्टेशन पे लगा दिए गए हैं, लेकिन सिधौली अटरिया रेलवे स्टेशन पे भी नहीं लगाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब इस रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली के लिए एक और रास्ता बन जाएगा। और दिल्ली के लिए जो रास्ता वो बनेगा वो वाया सीतापुर रोजा शाहजहांपुर होते हुए बनेगा। तब आने वाले समय में इस रूट पे कई ट्रेनें डाइवर्ट की जाएंगी, जैसे कि डबल डेकर जो कि अभी हफ्ते में 4-5 दिन ही चलती है, उसको पूरे 7 दिन चलाने का प्रयास है। क्योंकि जब इधर अमान परिवर्तन का काम नहीं हुआ था और तभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो बरेली मुरादाबाद रूट है, लखनऊ बरेली मुरादाबाद रूट काफ़ी व्यस्त है वो रूट, और इस रूट के बन जाने से वो रूट में थोड़ा सा रिलीफ मिलेगी इस वजह से। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो सिधौली रेलवे स्टेशन पर ख़त्म करूंगा और मेरे संग बने रहिएगा। मैं बारी बारी से मैं आपको खैराबाद, एटौंजा, सिधौली आदि स्टेशनों का और बाहर से ब्यौरा और विवरण दूंगा इलेक्ट्रिफिकेशन का। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे संग, आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, बिठौली क्रॉसिंग का सीन है ये, और इलेक्ट्रिफिकेशन के पोल देख सकते हैं आप, लाइन से लगे हुए हैं और ट्रेन आने का समय हो रहा है, ये देखिए। और इधर भी लाइन से देखिए लगे हुए हैं पोल्स वगैरह, ट्रेन आने का समय हो रहा है, थोड़ा सा ट्रेन का भी मजा लीजिएगा। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से आ रही है धूल उड़ाते हुए। ये खैराबाद का आउटर है, यहाँ भी अभी पोल्स लगने की शुरुआत नहीं हुई है। और ये देखिए स्टेशन, स्टेशन पर भी अभी पोल्स नहीं लगे हैं और स्टेशन के बाहर भी यानी कि कमलापुर की तरफ। तो मान के चल सकते हैं कि बरई जलालपुर या कमलापुर तक पोल्स लगा दिए गए हैं। ये देखिए, ये पोल्स हैं जो विद्युत के खंभे हैं बिजली के, ये कमलापुर से आगे का हम व्यू दिखा रहे हैं आपको।
बीच में दिखाना संभव नहीं था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हुए हैं, देखिए। ये देखिए, ये सिधौली का आउटर है। यहाँ भी पोल्स लगे हुए हैं, ये देखिए, देख सकते हैं आप पोल्स। ये देखिए किनारे किनारे पोल्स लगे हुए हैं, ये देखिए। पूरा अपडेट दे रहा हूँ, डालीगंज से सीतापुर के बीच में ये देखिए पोल्स लगे हुए हैं। यहाँ भी देखिए रोड के साइड से पोल्स लगे हुए हैं। ये देखिए, और ये इटौंजा से पहले का यह हाल है। यहाँ पे पोल्स नहीं लगे हुए हैं अभी, देख सकते हैं। अभी थोड़ा आगे से शुरू हो जाएंगे पोल्स, तो बीच बीच के कुछ हिस्सों में पोल्स नहीं लगे हैं। ये देखिए, इतना गैप है बीच में। अगर डालीगंज से सीतापुर के बीच में देखा जाए तो काफी गैप है। ये देखिए, यहां से पोल्स लगना शुरू हुए हैं इटौंजा से पहले। सिधौली रेलवे स्टेशन है और ये लखनऊ की तरफ रोड जा रहा है। और जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो यहाँ से आउटर पे पोल लगे हुए हैं जो लखनऊ की तरफ जा रहा है ये रूट। और ये सीतापुर की तरफ रूट जा रहे हैं। यहाँ पे भी जो बिस्वा क्रॉसिंग है रोड की, आउटर के थोड़ा सा और आगे से, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि खैराबाद से पहले भी कहीं भी इलेक्ट्रिक पोल नहीं लगे हैं, और ना खैराबाद में कमलापुर से इलेक्ट्रिक पोल लगना शुरू हो गए थे, हमने आपको दिखाया, आपने इसमें देखा भी। और चूंकि बरई जलालपुर जाना पॉसिबल नहीं था इसलिए मैं वहां का आपको व्यू दिखा नहीं पाया। तो आप ये मान सकते हैं कि जो पोल्स हैं वो पिठौली क्रॉसिंग से लेकर और जितने भी स्टेशंस हैं कमलापुर तक, या बरई जलालपुर तक मान लीजिए, सिधौली कमलापुर बरई जलालपुर, वहां तक पोल्स लगाने का काम हो गया है और काफी तेजी से काम किया जा रहा है। और आप सिधौली का ये स्टेशन का व्यू भी देख सकते हैं। चार ट्रैक हैं और तीन प्लेटफॉर्म, बीच में मेन लाइन। तो जितना पॉसिबल हो सका मैंने आपको इलेक्ट्रिफिकेशन से अब रिलेटेड अपडेट देने की कोशिश की। सामने हाईवे। तो फ्रेंड्स, ये था बिठौली रेलवे क्रॉसिंग या मोहिल्लापुर से जो पूरा सीतापुर तक जो इलेक्ट्रिफिकेशन का अपडेट था। मैंने पूरा अपडेट प्रोवाइड कराने की कोशिश की जहां तक संभव हो सका। उम्मीद करता हूं मोहिल्लापुर से सीतापुर के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन के काम का ये अपडेट आप लोगों को पसंद आया होगा। और समय समय पर मैं आपको इसका अपडेट देता रहूँगा। और काम, जैसा कि आपने देखा कि पोल्स लगाने का काम कितनी तेजी से चल रहा है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि इस साल के अंत तक ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो जाएगा, अगर इसी तरह से काम होता रहा तो।
तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नया वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए अलविदा।